का मच्छर होता है एडीज एजिप्टाई, जिसमें ये वायरस होता है। कोई भी मच्छर है उसकी खासियत यह है कि उसने पानी में उसके लार्वा और प्यूपा दो स्टेजेस उसकी पानी में होनी ही होनी है, पानी के बगैर वो नहीं हो सकता। लकीली हमारे पास एक तिलापिया मछली है जो बेसिकली अफ्रीकन फिश है, छोटे साइज की मछली है। ये 60s में पाकिस्तान में आई थी और ये इसकी खूबी या खामी जो भी समझे वो ये है कि ये खड़े पानी में खुद बहुत हर 3 माह बाद अंडे दे देती है और बच्चे निकल आते हैं। लार्वे को खाने में बड़ी ज़बरदस्त है। इस पर जब मैंने एक्सपेरिमेंट किए तो हमें लगा कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको फिर हमने डालना शुरू किया ये पानियों में, जितने भी हमारे जौहड़ हैं, छप्पड़ जिन्हें हम कहते हैं, कोई भी खड़ा पानी है, कुछ सारा साल खड़े रहते हैं, कुछ सीजनल होते हैं। ये डिपार्टमेंट की एक एक्टिविटी पंजाब गवर्नमेंट ने लगा दी है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डेंगू में जो है वो महकमे ने काम करना है फिशरीज ने। और हमारा महकमा माही परवरी सालाना कोई 9,000 के करीब वाटर बॉडीज हैं हमारी पूरे सूबा पंजाब में, जिनकी रेगुलर वीकली बेसिस पे और कुछ की डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करता है। और उनमें देख के कि जहाँ पे भी बच्चा कम हो रहा है या मच्छर ज़्यादा हो रहा है या चांसेस हैं, वहीं पे इसको स्टार्ट करता है। लेकिन ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज रोल है कि ये बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है ये बहुत बड़ा इफेक्टिव एक टूल है मच्छर को कंट्रोल करने का। मच्छर ये दो हैं, या तो बड़े ओपन वाटर बॉडीज हैं जिनको हम कहते हैं, वहाँ पे तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल ही होगा। लेकिन जो घरों में, जिस पे गवर्नमेंट बार बार कहती है घरों में पुराने टायर ना रखें दुकानों पे या गमले ना रखें, या वो एक अब सेपरेट स्टोरी है। मतलब आप मुख्तलिफ चीज़ों से, आप केमिकल से कंट्रोल करें, दवाइयों से चीज़ों को कंट्रोल करें, मैकेनिकली कुछ करें, तो वो सारे हार्मफुल तरीके हैं। ये सबसे आसान तरीका है कि एक जानदार से दूसरे जानदार को कंट्रोल किया जाए। सालाना 23 लाख बच्चा हमने टारगेट है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो हमने जो 9,000 वाटर बॉडीज हैं उनको चेक करने उनमें डालना होता है। वो 9 लाख के करीब बच्चा पंजाब जो है, पंजाब के पानियों में स्टॉक किया जा चुका है। वो देख के कि कहाँ ज़रूरत है, तो वो उसमें हमें आसानी है कि अब वो आसानी से बीकर से हम देख सकते हैं कि मच्छर जहाँ पे हुआ वहाँ में जितना, जिस रेशो से, जिस तादाद से वहाँ मच्छर ज़्यादा हो, उस हिसाब से बच्चा हम ज़्यादा डालते हैं।